Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is lecture number 5 of our taxation chapter. Okay, हम taxation chapter को complete कर रहे हैं जिसमें हमने direct taxes को चालू कर दिया था. और पिछले दो lecture में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है income tax के बारे में. okay, income tax के बारे में, और दूसरे मतलब last lecture में हमने पढ़ा corporate tax के बारे में. किसके बारे में? Corporate tax के बारे में. Corporate tax में एक part छूटा हुआ था, that is MAT. ठीक है, तो मैट को आई विल क्लियर इन दिस लेक्चर. बट बिफोर टेलिंग अबाउट मैट, लेट मी वेरी क्लियर कि भाई जो मैट है उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, बस एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको बता दे रहा हूँ मैं. देखो, बस ये याद रखना, जो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स होता है वो कंपनीज एक्ट के अंदर लगाया जाता है, पहली चीज़ याद रखना. और दूसरी, इट इज़ अप्लाइड ऑन बुक प्रॉफिट. ठीक है, इसको रटना हो रट लो, समझना हो समझ लो, समझाने वाला हूँ. ठीक है, समझ में आया तो इट इज़ वेल एंड गुड, नहीं आया तो बस इन दो चीज़ों को रट लेना. ठीक है, इससे ज़्यादा यूपीएससी कुछ नहीं पूछेगा, बट आई होप आपको समझ में आएगा, डोंट वरी. ठीक है, बट वो तो क्या टॉपिक के इंपॉर्टेंस के हिसाब से चीज़ें पढ़ी जाती हैं. अगर आपको मान लीजिए मैट समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज मैट हल्का सा टेक्निकल है, ठीक है, सी ए एम बी ए वाला टॉपिक है, अगर आप उसको समझने में आधा घंटा लगा दोगे और उसे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, या क्वेश्चन सिर्फ इन दो चीज़ों पे बनेगा, तो क्या मतलब एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करके उसे. अच्छा, वो टाइम पॉलिटी या हिस्ट्री को दे दो, वहाँ पर चीज़ें रटोगे तो ज़्यादा फायदा होगा. ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं मैट से. तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो अभी नए चेंजेस किए गए हैं बजट में, ठीक है, नए चेंजेस जो बजट में किए गए हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को 15% का टैक्स रहेगा और एग्जिस्टिंग कंपनीज़ को 22% का टैक्स रहेगा. ये सिर्फ इंडियन कंपनीज़ के लिए है. ठीक है, मैं यहाँ कल बताना भूल गया था, सो इंडियन कंपनीज़ के लिए बस है, इस चीज़ को याद रखना. लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये रखी गई थी कि दे डोंट हैव टू पे द मैट, मतलब एक बेनिफिट दिया गया था कि भैया आपको मैट पे करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट इज़ दिस मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स? देखो, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स को आप समझो कि देखो, आप ये बताओ कि जो भी आप इनकम टैक्स पे करते हो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं कॉरपोरेट टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ. आप इनकम टैक्स जो अपना भरते हो वो किस एक्ट के अंदर भरते हो, या किसको भरते हो? सिंपल सी बात है, आप इनकम टैक्स कमीशन को भरते हो, इनकम ऑफिस को भरते हो, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. इन शॉर्ट, आप इनकम टैक्स के अंदर अपना जो भी इनकम टैक्स रहता है उसको भरते हो. ठीक है, उसी प्रकार से जितनी भी कॉरपोरेट्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी कॉरपोरेट्स होती हैं वो भी अपना टैक्स इनकम एक्ट 1961 के अंदर भरते हैं. ठीक है, 1961 के अंदर भरते हैं. अब देखो, जब आप टैक्स भरते हो तो याद रखना, ये रियलाइज्ड इनकम पे टैक्स भरा जाता है. रियलाइज्ड इनकम पे टैक्स भरा जाता है मतलब जब आपके हाथ में इनकम आ चुकी है, ठीक है, कि आपके बैंक अकाउंट में आपके हाथ में इनकम आपने रियलाइज़ कर ली है, उसके बाद आप टैक्स भरोगे. ये नहीं कि अगर आप गवर्नमेंट को दिखा रहे हो कि भाई इस बार तो मेरा प्रॉफिट 50 करोड़ का होने वाला है, ठीक है, तो मैं इस बार इस हिसाब से लगभग 1 करोड़ का टैक्स भर दूंगा, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, जब आपके हाथ में पूरा 50 करोड़ आ जाए, प्रॉफिट हो जाए, कंप्लीट हर चीज प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको टैक्स भरना रहता है. तो मतलब एक चीज़ याद रखना, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स दोनों के सेट के अंदर भरा जाता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और दूसरा जब प्रॉफिट रियलाइज हो जाता है, मतलब जो भी आपकी इनकम रहती है रियलाइज हो जाती है, उसके बाद आपको इनकम टैक्स भरना होता है. ओके, इट इज ऑल्सो गुड. अब देखो, होता क्या है कि एक्चुअली बहुत टाइम से देखा जा रहा था, 1990s के बाद से ही देखा जा रहा है, जब से कंपनीज का प्रोलीफरेशन चालू हुआ था. बिकॉज इससे पहले तो हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता था, तो प्राइवेट सेक्टर के नाम पे कुछ खास था नहीं. तो जब प्राइवेट सेक्टर आना चालू हुआ, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ना चालू हुआ 1990s के बाद, तो ये लोग अपनी एक ट्रिक खेला करते थे. ट्रिक क्या खेला करते थे? या तो ये लोग अपना रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं दिखाते थे, मतलब जो भी प्रॉफिट रहता था उसको बोलते थे कि भैया अभी तक रियलाइज नहीं हुआ. जैसे फॉर एग्जांपल, इस पे इन्वेस्ट कर दिया है तो ये तो चला गया है, ये कुछ 10 साल बाद इसका रिटर्न आएगा, ये होगा वो होगा, मतलब इन शॉर्ट रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं दिखाते थे. ठीक है, अब ये कैसे नहीं दिखाते थे, क्या क्या तरीके थे, वो मेरा काम बताना नहीं है. अगर आप MBA कर रहे हो, CA कर रहे हो, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये लोग रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं दिखा रहे थे, ठीक है, जब से प्राइवेट कंपनी थी. और दूसरा, या तो ये लोग प्रॉफिट दिखाते, या फिर दूसरा, एक तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन उसको बोल रहा है रियलाइज नहीं हो रहा है. और मैंने क्या बताया, इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स एक्ट में ये लिखा है कि भैया जब आपका रियलाइज प्रॉफिट हो जाएगा या रियलाइज इनकम हो जाएगी, तभी आपसे टैक्स वसूला जाएगा. तो उनको प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन वो दिखा रहे कि हमें रियलाइज ही नहीं हो रहा है, मतलब हमारे हाथ में नहीं आ रहा है. तो सिंपल सी बात, आप टैक्स नहीं भरोगे. ओके, गुड. अब दूसरी बात क्या है, दूसरा ये कि भैया कुछ कंपनी आपको जीरो टैक्स कंपनी दिखा रही थी, कुछ कंपनी अपने आपको जीरो टैक्स कंपनीज दिखा रही थी. अब ये जीरो टैक्स कंपनीज क्या होती है? जीरो टैक्स कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट के लॉज जो रहते हैं उनके लूप होल्स को यूज़ करते हैं, उसके लूप होल्स को यूज़ करते हैं, दिखाते कि हमारे पास तो कोई इनकम ही नहीं है, मतलब या तो लॉस हो रहा है हमें, या तो लॉस हो रहा है हमें, या फिर प्रॉफिट ना के बराबर हो रहा है.
या इतना कम प्रॉफिट हो रहा है जिसमें हम टैक्स नहीं भर सकते हैं, ये दोनों चीज़ कर रहे थे। ठीक है, पहला क्या कर रहे थे कि भैया जो भी प्रॉफिट हो रहा था उसको बोल रहे थे रियलाइज़ नहीं हो रहा है, और दूसरा ये कि भैया जो जीरो टैक्स कंपनीज हैं, जीरो टैक्स कंपनीज अपना खेल खेल रही थी। जीरो टैक्स कंपनीज अपना कैसे खेल खेल रही थी? लूप होल्स का यूज़ करके। इसका यूज़ करके लूप होल्स का, जो लॉज थे उसमें बहुत सारे एग्जेम्पशन रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, मतलब अपने बड़े बड़े टेक्निकल्स ये हायर कर लेते हैं, दिखाते कि भैया हमारी कंपनी को कोई इनकम ही नहीं है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। अब सिंपल सी बात है, इससे गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी गवर्नमेंट को? बिकॉज गवर्नमेंट को भाई टैक्स नहीं मिलेगा, अगर रेवेन्यू नहीं मिलेगी तो आप बताओ देश कैसे चलेगा। तो सिंपल सी बात है, इनसे पैसे तो निकालने थे, और गवर्नमेंट को पता था घपला तो ज़रूर हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक चीज़ निकाली, उन्होंने बोला कि भैया देखो आप लोग कंपनीज एक्ट के अंदर भी एक प्रॉफिट मेंटेन करते हो, जिसको हम बोलते हैं बुक प्रॉफिट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बुक प्रॉफिट। अभी मैं समझाऊंगा, समझ में आए तो इट इज़ वेल एंड गुड, नहीं आए तो डोंट वरी, कोई नहीं पूछेगा बुक प्रॉफिट क्या होता है। ये सीए का पार्ट है, एमबीए का पार्ट है, तो वहाँ आप पढ़ें तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन यूपीएससी में मत पढ़िएगा। मैंने बोला टाइम के हिसाब से चीज़ों को प्रेफरेंस दे रहा। तो बुक प्रॉफिट क्या होता है? बुक प्रॉफिट इज़ वेरी सिंपल कि भाई मैंने आपको प्रॉफिट बताया, सिंपल प्रॉफिट क्या है? आपने एक चीज़ बेची थोड़े 100 रुपए में, और उसको आपने 150 रुपए में, मतलब 100 रुपए में चीज़ें खरीदी, 150 रुपए में बेच दी, 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया, सिंपल प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन आप क्या बताओ ये प्रॉफिट पूरा पूरा हुआ है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने हमारे अरोड़ा आईएएस में पेड ग्रुप ज्वाइन किया हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे इतने बच्चे हैं, तो अरोड़ा का प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली मान लो, मानने के लिए 10 लाख हो गया। ठीक है, अब ये पता नहीं हुआ नहीं हुआ वैसे, ठीक है, तो बस ये एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ मैं, कि मान लो 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, मतलब 10 लाख पूरा रियलाइज़ हुआ। ठीक है, 10 लाख पूरा रियलाइज़ हुआ, मतलब हाथ में आया। लेकिन आप क्या बताओ 10 लाख सीधे उनकी जेब में जाएगा, उनकी पॉकेट में जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये पैसा कहाँ कहाँ जाएगा? थोड़ा टीचर्स को जाएगा, जो टाइप कर रहे हैं उनको जाएगा, इसको जाएगा, उसको जाएगा, फिर जोड़ जाड़ के थोड़ा बहुत पैसा बचेगा, वो जेब में जाएगा। तो मतलब बुक प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें सारे डेप्रिसिएशन और जो भी आपके मतलब वो बीच कर्जा भरजा ये सब रहता है वो सब हटा दिया जाता है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो बुक प्रॉफिट कहलाएगा, और वो कंपनीज एक्ट के अंदर दिखता है। ठीक है, याद रखना ये कंपनीज एक्ट के अंदर आता है। जो इनकम टैक्स लगाया जाता है वो लगाया जा जो इनकम टैक्स लिया जाता है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर लिया जाता है। लेकिन जो बुक प्रॉफिट रहता है वो कंपनीज एक्ट के अंदर मेंटेन किया जाता है। मतलब कंपनीज जो कॉरपोरेट्स रहती है दो टाइप के प्रॉफिट मेंटेन करती है, एक बुक प्रॉफिट और एक नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट सबको दिखाई देता है, और जो बुक प्रॉफिट रहता है वो कंपनीज एक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब मैं नॉन टेक्निकल सेंस में बताया, मुझे भी आई नो कि भैया टेक्निकल कितना है, लेकिन उसमें और टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा। बता लो बुक प्रॉफिट में जो भी प्रॉफिट आता है उसमें हर चीज़ निकाल दी गई और फिर जो बचा वो बुक प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत ही सिंपलेस्ट शब्द में बताया, बहुत सारी टेक्निकल मिस्टेक आई नो, बट आर्ट्स वाले हैं जो मतलब कंप्लीट हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, जो एमबीए वाले हैं वो अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वी विल बी प्लीज्ड टू हैव देयर नॉलेज। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आप क्या करो, जो बुक प्रॉफिट है ना, आप बुक प्रॉफिट पे 18.5% का टैक्स दे दो, और इसी को कहा गया मैट, इसी को कहा गया मैट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई इससे पहले तो हमारे यहाँ पे 30% के आसपास का टैक्स होता था, तो गवर्नमेंट तो सिर्फ और सिर्फ 18.5% ले रही है, तो गवर्नमेंट को लॉस है 50% का, लगभग कुछ 50% का लॉस है। तो अब क्या हुआ आगे? देखो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये बोला कि जैसे ही आपका फॉर एग्जांपल साल ख़त्म होने वाला है तो आप बुक प्रॉफिट के ऊपर आपको जितना भी बुक प्रॉफिट है उसका 18.5% दे दो। ठीक है, 18.5% दे दो। अब जैसे ही आपका जो रियलाइज्ड कैपिटल है, मतलब जो रियलाइज्ड आपकी इनकम है वो आ जाएगी, रियलाइज्ड इनकम आ जाएगी, मतलब जो रियल में आपकी इनकम आने वाली थी, आप दिखा रहे थे कि आपको 50 करोड़ का प्रॉफिट होगा, 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा, जैसे ही वो आपके हाथ में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम ऑटोमेटिकली उन पैसों को ले, मतलब ये जो आपका 18.5% है वापस कर देंगे और वो पैसा अपने पास रखेंगे। लेकिन इसकी कुछ लिमिट रहेगी कि भैया 1-2 साल के अंदर आना, 3 साल के अंदर आना, ये यूजुअली चेंज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैट एग्जिस्टेंस में आया, और आपको समझ में आ गया मैट क्या होता है। ठीक है, तो आई थिंक आई एम क्लियर विद द मैट। ओके, अब आप बोलोगे कि सर आपने रियलाइज्ड इनकम वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, जैसे कि मैंने बताया था कि कंपनीज रियलाइज्ड प्रॉफिट शो नहीं कर रही थी, तो वो तो मैंने सॉल्व कर दी मैट से। अब ये जीरो टैक्स कंपनीज का क्या होगा? देखो इसके लिए बहुत सारे लॉज लाए गए हैं, लाइक गार लाया गया है और बहुत सारे एक्टिव रिफॉर्म्स लाए गए हैं। इनकम टैक्स जो मतलब कंप्लीट कमिश्नर हैं वो थोड़े बहुत इंटॉलरेंट है सब चीज़ें, मतलब बहुत सारे नए रिफॉर्म लाए गए। मतलब इसका सोल्यूशन तो भाई डिफरेंट लॉज और अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से है, लेकिन जो इसका प्रॉब्लम होता है रियलाइज्ड प्रॉफिट का, उसको गवर्नमेंट ने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको यहाँ पर मैट से सॉल्व कर दिया है, और अगर मान लो कोई भी कंपनी नहीं देगी तो उसी का लॉस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको चीज़ और बता दूँ, जो बुक प्रॉफिट रहता है ना हमेशा एक्चुअल प्रॉफिट से जो उनको टैक्स भरना रहता है उससे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर कंपनीज भी ट्राई करती है भाई क्या करो, आप क्या दिखाना बुक प्रॉफिट में है नहीं है, सिंपल से आप
मुंह उठाओ और कहाँ पर डाल दूँ, सीधा एक बार में टैक्स भर दो खत्म करो, नहीं तो आपका पैसा भी वहाँ चला जाएगा, एक दो साल की लिमिट है, अगर एक दो साल में वो पैसा जमा नहीं किया, टैक्स जमा नहीं किया, तो बाकी का बुक बुक प्रॉफिट में भी लॉस हो जाएगा। देखो बुक प्रॉफिट टेक्निकली आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो मैंने समझ मैंने जो मीनिंग बताई समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं यार, ठीक है, आप कोई अपनी टेक्निकल नॉलेज नीचे मत लिखना, बिकॉज आई नो वो टेक्निकली थोड़ा सा रॉन्ग था, बट समझाने के लिए बस था, बस इतना आप दो चीज़ें याद रखना, भैया कंपनीज एक्ट के अंदर लिया जाता है मैट, और दूसरा बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट दो वर्ड मैट के बारे में रट लेना, और 18.5% है, ठीक है, इसी के साथ हमारा बुक प्रॉफिट हो जाएगा कंप्लीट। अब हम आते हैं ये जो थर्ड इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन क्या होता है। देखो आपके पास एसेट्स होते हैं, एसेट्स दो टाइप के होते हैं, मूवेबल, ठीक है, और दूसरे आते हैं इमूवेबल, मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल मतलब द एसेट्स विच कैन मूव, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका फ़ोन, ठीक है, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि मूव कर सकती है, ठीक है, जो कि मूव कर सकती है, इसको हम बोलते हैं मूवेबल एसेट्स, ठीक है, मूवेबल एसेट। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं इमूवेबल एसेट, जो कि मूव नहीं करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंड, ठीक है, लैंड आप परचेस करते हैं वो मूव नहीं करता है, ठीक है, तो आपको क्या दिखा दिया, मूवेबल एसेट्स एंड इमूवेबल एसेट, ठीक है। अब देखो जब भी आप इस मूवेबल या इमूवेबल एसेट्स को बेचते या खरीदते हो, ठीक है, मूवेबल या इमूवेबल एसेट्स को आप अगर खरीदते या बेचते हो, बाय या फिर सेल करते हो, तो यू विल गेट सम प्रॉफिट, ठीक है, यू विल गेट सम प्रॉफिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ सेकेंड बोलिए, सॉरी फॉर द प्रॉब्लम, माई ब्रदर वॉज ऑन द डोर, कुछ काम था उसे, सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग द कैपिटल गेन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो भी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मूवेबल एसेट हो या फिर इमूवेबल एसेट हो, आप उसको क्या करते हो, खरीदते या बेचते हो, ठीक है, खरीदते या बेचते हो, तो उसमें आपको कुछ प्रॉफिट होता है, ठीक है, कुछ प्रॉफिट होता है, तभी आप खरीदोगे बेचोगे, लॉस में तो कोई प्रेफर नहीं करता है, अगर मजबूरी ना हो तो, ठीक है। जो प्रॉफिट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज से आप कह सकते हैं 25 साल पहले आपके पिताजी ने कोई ज़मीन खरीदी होगी, अब आपको ज़रूरत है, IAS बनना है, तो अब आप उसको बेचना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे उसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये था, अब आज उसका प्राइस हो गया है 5,00,000 रुपये, ठीक है। आप बोलोगे क्या बकवास कर रहा है भैया, ऐसा है, हमने खुद देखा है हमारे घर में, सो आई नो इट, ठीक है, तो 5,00,000 हो गया है, तो अब इसमें आपने कुछ प्रॉफिट एक्वायर किया, ठीक है, अब वो प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है, ठीक है, जो मतलब जो आपने प्रॉफिट गेन किया उसको बोलते हैं कैपिटल गेन, ठीक है, वो जो प्रॉफिट गेन किया उसको बोलते हैं कैपिटल गेन, और उस कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। अब आपको समझ में आया, एसेट दो टाइप के होते हैं, मूवेबल इमूवेबल, और अगर जब हमको बेचेंगे तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे कैपिटल गेन, और उसके बाद जो टैक्स लगेगा वो रहेगा कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। अब इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स इज ऑल्सो अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर पड़ा तो डायरेक्ट टैक्स ही होगा, एंड इट इज़ ऑल्सो कलेक्टेड एंड लेवाइड बाय द सेंटर, ठीक है, ना लेवाइड भी, ठीक है, तो आपने तीनों टैक्स पढ़ लिए, इनकम टैक्स भी हो गया, ठीक है, आपने कॉर्पोरेट टैक्स भी देख लिया, कैपिटल गेन टैक्स भी हो गया, तीनों के तीनों लेवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल आर डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसको आप शॉर्ट में STCG कहते हैं, जो लोग शेयर मार्केट में परचेज सेल करते हैं वो जानते होंगे STCG के बारे में, और दूसरा आता है LTCG के बारे में, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब देखो इसकी लिमिट होती है, सबसे पहले आप ये देख लो, ये जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो 15% लगता है, ठीक है, अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो 20% लगता है, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो 15% लगता है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो 20% लगता है, ओके। अब देखो अगर आप शेयर बेच रहे हो, ठीक है, अगर आप शेयर एक साल के अंदर बेच, मतलब एक साल कंप्लीट हो गया, एक साल यहां पर आप देखो शेयर का देखो, अगर आप एक साल पहले बेच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 अप्रैल को शेयर खरीदा, ठीक है, आपने 1 अप्रैल को शेयर खरीदा, और अगर आप उसको 1 दिसंबर में बेच दे रहे हो, ठीक है, मतलब एक साल के अंदर अंदर आपने बेचा, तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, STCG लगेगा, ठीक है, STCG। लेकिन वही लिमिट लैंड और हाउसेस के लिए कम ज़्यादा है थोड़ी सी, ठीक है, लैंड और हाउसेस के लिए ज़्यादा है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लैंड और हाउस खरीदा, अगर वो 2 साल के अंदर बेच रहे हो तो उस पर एस टी सी जी लगेगा। अगर गोल्ड एंड सिल्वर आपके पास, वो 3 साल के अंदर बेच रहे हो तो उसमें एस टी सी लगेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये जो ईयर्स है इनको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, नहीं भी रखो कोई प्रॉब्लम करते। अगर शेयर 1 साल से पहले बेच रहे हो, ठीक है, 1 साल से पहले बेच रहे हो तो उसमें लगेगा एस टी सी जी। सिंपल सी बात है, पहला छोटा तो मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। वहीं अगर शेयर आप 1 साल के बाद बेच रहे हो, 1 साल खरीदने के बाद बेच रहे हो तो उसमें उसमें क्या लगेगा, एल टी सी जी लगेगा। ठीक है, अगर आप लैंड एंड हाउसेज देखो, ठीक है, लैंड एंड हाउसेज मतलब जो आप लैंड खरीदते हो या घर खरीदते हो, अगर आप उसको 2 साल के अंदर बेच देते हो, अगर आप उसको 2 साल के अंदर बेच देते हो तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है, और अगर उसको 2 साल के बाद बेचते हो तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। वहीं गोल्ड एंड सिल्वर में देखो, गोल्ड एंड सिल्वर को अगर आप 3 साल के अंदर बेचते हो तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, अगर 3 साल के बाद बेचते हो तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आप सब जानते हो शेयर मार्केट से ही ज़्यादा रिलेटेड है ये कैपिटल गेन टैक्स, बिकॉज बाकी जगह तो हम रिश्वत दे के छूट जाते हैं या फिर ब्लैक में ट्रांजेक्शन कर लेते हैं ज़मीनों का, जिससे कि क्या करते हैं, हम पैसों को बचा लेते हैं। ठीक है, अब वो लोगों की मर्ज़ी है, जैसा लोग बचाना चाहें। बट शेयर्स पे अगर आप इतना टैक्स लगाओगे, आप सोचो 15-15%, 10-10%, 20-20% टैक्स लगाओगे, तो फिर तो शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, है ना। शेयर मार्केट में तो कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। एक तो आपने 1990s में अपना मार्केट खोला, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चालू की, ऊपर से आप बोल रहे भैया 15% का हम आपसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेंगे और 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेंगे। अरे भैया प्रॉफिट ही उतना है, अगर आप उतना टैक्स ले लोगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, प्रॉफिट ही मुश्किल से 100 रुपये आ रहा, आप उसमें से 20 रुपये 15 रुपये मांग लोगे सो कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा हमें। ठीक है, वो हर्षद मेहता नहीं है जो हमें फ़ायदा करवा देंगे, हमें तो भैया नॉर्मल मार्केट के रूल से चलना है। तब क्या किया जाए, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया क्या करते हैं, जो कैपिटल गेन टैक्स है, ठीक है, कैपिटल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको गवर्नमेंट ने शुरुआती कुछ सालों में इसको 10% रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, 10% रिड्यूस कर दिया था। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसमें बोला था वो तो भैया 10% ही रहेगा, लेकिन वहाँ पर हम इंडेक्सेशन देंगे। ठीक है, इंडेक्सेशन एक प्रक्रिया होती है, आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर मुझे बस ये मकसद था कि भैया बताना है कि इंडेक्सेशन क्या होता है। अब कितना था पहले, क्या नहीं था, वो तो आप जानते हो। ठीक है, राजा अकबर ने बाबर को कैसे मारा, कहाँ मारा, फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट वन थिंग, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था, बस यही मैटर करता है। अब कब्र कहाँ खोद के रखी है, कब्र कितने फीट की खुदी है, कौन कौन सी वहाँ पर सोना डाला गया था, कैसे कलर की कब्र थी, वो सब मैटर नहीं करती है। ठीक है, वो सब मैटर नहीं करती है। समझ भाई, हमें कहाँ पर फोकस करना है, इंडेक्सेशन में, जो टर्म है इंडेक्सेशन। अभी क्या होता है, देखो मैंने इन्फ्लेशन के चैप्टर में आपको चीज़ बताई थी कि याद आ रहा कोई कॉन्सेप्ट, इंडेक्सेशन से कुछ रिलेटेड बताया था। हाँ, प्रॉफिट से रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ आता है, नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो ट्राई करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, अगर फॉर एग्जांपल आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो, अभी अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो फिक्स डिपॉजिट में, 5 साल के बाद जाओगे तो आपको मुश्किल से वो 102 रुपये देंगे, बोलेंगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आप ये सोचो 2 साल में महंगाई बढ़ चुकी होगी, इन्फ्लेशन बढ़ चुका होगा, देर विल बी राइज इन प्राइस, तो जो 2 रुपये का आपने प्रॉफिट दिया वो एक्चुअली में कोई प्रॉफिट ही नहीं है, बिकॉज इंडेक्स ने उसे कैंसिल आउट कर दिया, इंडेक्स ने उसे कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर उस इम्पैक्ट को हटाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 साल पहले कोई शेयर खरीदा, ठीक है, 5 साल पहले कोई शेयर खरीदा, लेकिन 5 साल के बाद उसका प्राइस तो बढ़ा 16% के हिसाब से, लेकिन इन्फ्लेशन भी तो बहुत बढ़ गया, तो मुझे कुछ खास प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो भाई मैं क्यों खरीदूँ आपके शेयर्स, एक तो इतना रिस्क है, कभी भी डूब जाएगा, और ऊपर से मुझे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो जब मैं इस इन्फ्लेशन को इसके साथ रिलैक्स कर देता हूँ, या फिर आप कह सकते हो एडजस्ट कर देता हूँ, उसको हम इंडेक्सेशन कहते हैं। फिर से एग्जांपल के तौर पे समझो, 100 रुपये मैंने FD में इन्वेस्ट किए, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किए, मुझे फ़ायदा 102 रुपये का हुआ, लेकिन मैंने बोला कि भाई यहाँ तो इन्फ्लेशन भी 2% का बढ़ा है, तो मुझे तो कुछ खास फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर। अब मैं बोलूँगा कि भैया ये जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, अगर मुझे सॉल्व करना है, ये इंडेक्सेशन से सॉल्व होगा कैसे, वो बोलेगा अच्छा जितना आपका इन्फ्लेशन बढ़ा है ना, उतना हम 2% और बढ़ा देते हैं। ठीक है, मतलब आपको इन शॉर्ट 2 रुपये का फायदा हो गई होगा, उस टाइम पे इन्फ्लेशन कितना भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, अब मान लो इन्फ्लेशन हो गया 106 रुपये का, ठीक है, लेकिन मुझे दो रुपये एक्स्ट्रा मिलने थे, तो अब यहाँ पर दिखाई देगा 106 रुपये का इन्फ्लेशन है, मतलब 6 रुपये का इन्फ्लेशन है, तो 6 को डिडक्ट कर दो, मतलब 6 रुपये यहाँ पर अपनी आपसे और जोड़ के दे दिया जाएगा, मतलब 8 रुपये, तो इन शॉर्ट आपको 2 रुपये का फायदा हो रहा है। समझ में आया, ये जो आपका इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट था उसको हटाना ही इंडेक्सेशन होता है। ठीक है, तो ये शुरू में किया गया था कि शेयर मार्केट में चीज़ें आएँ। ओके, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था वो 2015, 16, 17 तक नहीं लिया जा रहा था,
बिकॉज शेयर मार्केट में अगर आप लोगे शॉर्ट दैट मीन्स क्या बोलते हैं उसे, टैक्स इतना ज़्यादा लोगे तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो शुरू शुरू में गवर्नमेंट ने LTCG बहुत ज़्यादा कम कर दिया था और शुरू शुरू में तो हटा ही दिया था, ठीक है, हटा के रखा था 2017 के आसपास, ये LTCG नहीं लगता था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था। उसका ये भी रीज़न था कि भैया लोग जो शेयर्स रहते थे वो शॉर्ट टर्म के लिए बस होल्ड करके रखते थे, तो कुछ खास फायदा भी नहीं हो रहा था, ऊपर से इन्वेस्टमेंट भी जा रही थी, तो गवर्नमेंट सोचा कि हटाई देते हैं LTCG, सिर्फ STC लेते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट STCG में खुश थी, लेकिन आप सोचो भैया कुछ शेयर मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो कि कुछ सालों के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद भी बेचते होंगे, तो उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था ना, गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने उसको कंपनसेट करने के लिए STT इंट्रोड्यूस किया गया। क्या इंट्रोड्यूस किया? STT, जिसे हम क्या कहते हैं देर तक, या सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जो कि हम पढ़ेंगे कल, ठीक है, उसको कल पढ़ेंगे। आज हम इस चीज़ को कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि बिकॉज टाइम होने वाला है। सो अल्टीमेटली क्या होता है, गवर्नमेंट ने लेकिन 2017 से 18 के बजट पर डिसाइड किया कि भैया अब जो हम अपना रेवेन्यू में लॉस ले रहे थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगा के, वो हम लेना चालू करेंगे, ठीक है, वो अब हम लेना चालू करेंगे। अब आप सोचो अभी तक नहीं ले रहे थे, ठीक है, अब आप आज आपने बोला कि भैया हम लेंगे, ओके गुड, आप लीजिए। लेकिन आप सब जानते हो अगर शेयर मार्केट में कोई भी बैड न्यूज़ आती है, अगर बजट बैड हो गया, कोई भी बैड न्यूज़ आती है, शेयर मार्केट फॉल डाउन कर जाता है। क्या हो जाता है? शेयर मार्केट फॉल डाउन कर जाता है। अब फॉल डाउन करेगा तो लोगों को लॉस होगा, तो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए कि भैया वो लोग अपना शेयर मार्केट से पैसा ना निकाले, उसके लिए ग्रैंडफादरिंग क्लॉज लाया, ठीक है, अब ग्रैंडफादरिंग क्लॉज क्या है, ये हमारा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या है, और जो आखिरी का पार्ट इंडेक्सेशन वाला, वो सब हम कल रिवाइज करके दोबारा स्टडी करेंगे। बस आज आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट लगा रही थी टैक्स, और कैसे लगाई थी, इंडेक्सेशन से, कि लोगों को लॉसेस ना हो। लेकिन इस 2017-18 के बजट में गवर्नमेंट ने बोला कि भैया जो हम LTCG नहीं ले रहे थे, ठीक है, गवर्नमेंट सिर्फ STCG ले रही थी, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया LTCG भी लेंगे, सिर्फ 10% लेंगे, 20% पूरा नहीं लेंगे, और इंडेक्सेशन भी नहीं देंगे, मतलब इस तरीके से 20% के आसपास ही टैक्स दिया जाएगा। तो ये क्या पूरी कॉन्ट्रोवर्सी है बजट 2017-18 के बाद, वो सब हम कल पढ़ेंगे, और STT क्या होता है वो भी कल पढ़ेंगे। बस आप याद रखना आखिरी, बस मैंने आपको समझ लो इंडेक्सेशन पढ़ाया है, और थोड़ा सा जो कल टॉपिक पढ़ने वाला उसका इंट्रोडक्शन दिया। तो कल जो टॉपिक है इंडेक्सेशन के बाद से फिर से एक बार रिवाइज करके चालू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।